नमस्कार शशिकाल आदाब वनकम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू पफ इजी हेयर स्टाइल। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने क्राउन सेक्शन के हेयर को सेपरेट कर ले, थोड़ा सा आगे हेयर छोड़ दे बैंग्स और फ्लिप के लिए। बाकी के सारे हेयर को एक साइड में करें और जो क्राउन सेक्शन का हेयर है उसे कुछ इस तरीके से ऊपर ले जाके पहले पीछे का हेयर डिवाइड करके उसमें टीज करिए। फिर आपको एक और सेक्शन लेना है, बस इस तरीके से आपको सेक्शन लेते लेते जाएं और उसके बाद कॉम से बैक कॉमिंग करके ऐसे टीजिंग करें। हर एक लेयर में एटलीस्ट 3 या 4 लेयर आप इस तरीके से डिवाइड करें और सब में टीज करें। बैक कॉमिंग आपको इस तरीके से करनी है। इससे क्या होगा कि एक वॉल्यूम आ जाएगा और वो पफ क्रिएट हो जाएगा आपका क्राउन सेक्शन में। अब जब एक बार वो हो गया तो उसके बाद अपना जो थोड़ा और कम हेयर सेक्शन लें क्राउन सेक्शन का और पीछे ले जाके इस तरीके से और उसके बाद इसे रबर बैंड से इस तरीके से पीछे टाई कर ले और हल्का हल्का हेयर को पुल कर दे जिससे कि पफ क्रिएट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपको पफ नहीं क्रिएट करना, लाइट पफ। उसके बाद साइड में से इस तरीके से एक और सेक्शन लें और उसमें पफ में आप इस तरीके से उसे अंदर की तरफ डाल दे। बस दूसरे साइड से भी इसी तरीके से लें और पफ में अपने दो फिंगर को डालें और फिर उस जो न्यू हेयर सेक्शन आपने लिया है उसे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल दें। अब इन दोनों को जो हेयर सेक्शन आपने इस तरीके से बाहर निकाला है, इन दोनों को बीच वाला जो पफ वाला था उसमें जॉइंट करके रबर बैंड से टाई कर लें। और थोड़ा सा हेयर सेक्शन निकालें उसी पोनीटेल में से और थोड़ा सा और हेयर सेक्शन लेके इस तरीके से रैप कर दे जिससे कि आपका जो रबर बैंड है वो बिल्कुल भी ना दिखे और यू पिन से अंदर उसे सिक्योर कर दें। एंड या गाइस दैट्स इट। आप देख सकते हैं ये आगे से हल्का सा पफ क्रिएट हो जाता है और साथ ही पीछे से ये कितना क्यूट और यू नो स्टाइलिश दिखता है हेयर स्टाइल। तो बस पहले ही हेयर स्टाइल की तरफ क्राउन सेक्शन के हेयर को सेपरेट कर लें, सारे हेयर को पीछे ले जाके अच्छे तरीके से कॉम कर दें और आपको यहाँ पे पफ क्रिएट करना है। तो पफ क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पूरे हेयर को पीछे ले जाएं और उसे आगे की तरफ पुश करें कुछ इस तरीके से और फिर बस उधर ही आप बॉबल पिन से उसे सिक्योर कर दें, दोनों तरफ से बॉबल पिन से सिक्योर कर दें। अब जो साइड वाले हेयर हैं इसमें आगे का थोड़ा सा सेक्शन लें, फिर से और एक सेक्शन लेके उसे ऐड करके ट्विस्ट करें, फिर से दूसरा हेयर सेक्शन लें और ऐड करके ट्विस्ट कर लें। बस इसी तरीके से आपको ईयर तक के हेयर के सेक्शन को ऐड करते जाना है और ट्विस्ट करते जाना है, ट्विस्ट करके उसे पीछे ले जाके बॉबल पिन से सिक्योर कर दें। बस इसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी करना है। थोड़ा सा हेयर लें और उसमें ऐड करें न्यू सेक्शन, ऐड करते जाएं और ट्विस्ट करते करते लास्ट में उसे पीछे ले जाके बॉबल पिन से सिक्योर कर दें। अब इसके बाद आप चाहें तो इस तरीके से ओपन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके से और अगर आप चाहें तो पोनीटेल हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से पोनीटेल बना लें। जब आप पोनीटेल बनाएंगे तो ध्यान रखिए कि जितने भी बॉबी पिन्स हैं आपके वो रिमूव कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से टक हो चुका है आपके पोनीटेल में तो वो निकलेगा नहीं। तो जितने भी पीछे बॉबी पिन लगे हैं वो निकाल दीजिए और उसके बाद जो पफ में बॉबी पिन लगा है उसका आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हेयर जो है बहुत ज़्यादा सिल्की नहीं है, थोड़ा सा है मतलब होल्ड रख सकता है, तो आप निकालें और सिर्फ यू पिन से उसे वहीं पे टक कर दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की हैं वो नहीं रुकेंगे बिना बॉबी पिन के, तो बॉबी पिन आप लगा लें। सो गाइस आई होप कि आपको ये हेयर स्टाइल्स
पसंद आए होंगे, पसंद आए होंगे तो लाइक जरूर कर दे इस वीडियो को। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड बी स्टाइलिश, बी सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय।